रही है, ठीक है, ये पॉज हो गई हमारी, ठीक है स्क्रीन। तो अगर आप ध्यान दो तो हमारी एक बॉल है, हाय गाइस वेलकम अगेन। और ये वीडियो जो है वो अगर आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया है कि आखिर बाउंस बॉल जो हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में वो कैसे काम करती है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक बार फिर से आपको कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊँ कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, और कैसे हमने सारी चीज़ें की। ठीक, सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको बस एक्सप्लेन करूँगा जो हमने लॉजिक यूज़ किया। तो अगर आप समझ गए हो कि ऐसी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं, सिंपल है, रन करा के देखते हैं पहले कैसे काम हो रहा है। तो रन मॉड्यूल करते हैं, हमारे सामने बॉल आएगी, मूव करेगी, ठीक है। और मैं अपनी स्क्रीन पॉज करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा, ओके पॉज नहीं हो रही है, ठीक है, ये पॉज हो गई हमारी, ठीक है स्क्रीन। तो अगर आप ध्यान दो तो हमारी एक बॉल है, ठीक है, और एक स्क्रीन में चार डायरेक्शन है, ठीक है, स्क्रीन में चार डायरेक्शन है, अप डायरेक्शन है, अभी बॉल हमारी डाउन डायरेक्शन है, हमारी नीचे साइड में एक अप है, ये एक लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, ठीक है। बॉल इस चार डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल लिए, एक हमने लिया डाउन का और एक हमने लिया राइट का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे जब गेम स्टार्ट होगा सो राइट साइड मूव करेगा और डाउन साइड मूव करेगा। आप चाहो तो इसमें रैंडम ही लगा सकते हो कि लेफ्ट और राइट में से कोई एक चूज कर ले रैंडम, ठीक है, कोई इशू नहीं। सो अब क्या होगा, जैसे डाउन जा रहा है, अब मान लीजिए लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, जैसे बाउंड्री से टकराएगा हमारी डायरेक्शन पलट जाएगी, जैसे डायरेक्शन पलटेगी आपका जो अप जा रहा था वो तो कंटिन्यू रहेगा, जो भी आपकी स्पीड की वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है, ठीक समझते हैं इसको। मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ तो ज्यादा आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसको मैं छोटा रखूँ, ठीक है। सो सपोज दैट ये आपके शेप है, आई थिंक ये सर्कल है और ये आपकी सपोज दैट छोटी सी बॉल, ठीक, ये हमारी बॉल है, इसको फिल कर लेते हैं किसी रैंडम कलर से, देखो किसी भी रैंडम कलर से फिल कर लेते हैं, हमारी बॉल है और इसकी बाउंड्री भी बॉल है, ठीक, करेक्ट बॉल है, ठीक है। और हमारे सामने जो है एक रेक्टेंगल, यानी कि हमारी स्क्रीन को फिक्स कर लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं इसको मिड में ले आया, ठीक है, चलिए ठीक आ गया। तो मान लीजिए हमारी कोई स्क्रीन है 6x100 की लाइक दिस, ठीक, सो इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है, कलर इसलिए मैटर करूँ ताकि आपको ये ब्लैक है ये, ठीक है। अब क्या है, आपकी बॉल है तो हम पेंसिल ले लेते हैं। अब आपकी बॉल के पास चार डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए एरो ये नहीं, ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो आपकी एक डायरेक्शन ये है, ठीक है, ऐसे करके एक डायरेक्शन अप है, एक डायरेक्शन राइट है, ठीक, और एक डायरेक्शन नीचे है, ठीक। तो हमने दो वेरिएबल लिए, जब बाय डिफॉल्ट जब आपकी बॉल मूव कर रही होगी तो दो में से एक दो डायरेक्शन होगी आपके पास। अच्छा, इसके अलावा स्पीड आपका बेसिकली क्या करे, स्पीड जैसे है आपका, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो जैसे हम एक्स में ऐड करेंगे, एक्स प्लस स्पीड करेंगे, ठीक है, सो कोऑर्डिनेट जो है आपके वो बढ़ेंगे, ठीक है। यार कुछ खास अच्छी नहीं है, गंदी सी बना रहा हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे पॉइंट है तो एक्स प्लस स्पीड करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड क्या है, 1 2 2 2 है, तो अगर आप 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है स्पीड, आपकी फिलहाल के लिए 2 है। तो होगा क्या बेसिकली, ये जैसे ये स्पीड जो है ये क्या होगा कि आपका जो भी आप यहाँ पे एक्स है उसमें कुछ भी ऐड करोगे आपका, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इस चीज को, ठीक, जो ये पॉइंट है आपका स्टार्टिंग, ये जो स्टार्टिंग होती है विंडो की, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये आपका है 0 0, ठीक, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे, इसमें से नीचे आओगे, ठीक है, तो आपका जब नीचे आओगे तो जो है, अरे यार पेंसिल ले लूँ मैं, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो आपका वाई इंक्रीज करेगा, वाई क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, ऊपर जाओगे तो वाई डिक्रीज करेगा, इसीलिए हमने क्या किया, ठीक है, एक चीज समझ में आई,
इसीलिए हमने क्या किया, कोड पे आते वापस, कोड पे आते, इसीलिए हमने क्या किया, ये आपका जैसे जैसे राइट साइड में आप मूव कर रहे हो, राइट इक्वल्स टू ट्रू कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप राइट इक्वल्स टू ट्रू कर, अब ये वाई वाला हो गया, तो वाई के लिए यानी कि जब आप डाउन जा रहे हो तो आपका स्पीड बढ़ा रहे, ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और जब आप अप जा रहे हो, ठीक है, अप जा रहे हो तो, अप जा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाई में कुछ माइनस करेंगे तभी हम अप जा पाएंगे, तो हमने क्या किया, वाई में निगेटिव किया। सेम है जैसे हम एक्स, ये हमारा जीरो जीरो है, जिस साइड बढ़ेंगे है ना, एक्स में कुछ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक्स प्लस समथिंग होगा, तो जैसे इस पॉइंट की आप बात करो, इस पॉइंट की, तो कहो कि ये कौन सा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई का कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा और एक्स का क्या होगा, 800, क्योंकि पूरी विड्थ है, ठीक है। तो ऐसे हमने एक्स प्लस किया तो इधर जाएगा, और एक्स माइनस, एक्स में से कुछ माइनस करेंगे तो अपोजिट जाएगा, तो हमने स्पीड को माइनस करते रहे, ठीक है, स्पीड को माइनस, तो हो सकता है ये होपफुली आपको, होपफुली ये आपको क्लियरली समझ में आ गया डायरेक्शन का नाम। अच्छा, आप क्या है, नीचे आते हैं, इसकी बात करते हैं। तो जैसे ही आपकी बॉल जो है, ये आपकी बॉल है, ठीक है, और जैसे ही आपकी ये बॉल विथ माइनस 10 अभी भी लगाया हुआ, हाथ लगाया हुआ, ठीक है, ये माइनस 10 हमने क्यों लगाया हुआ है, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, पहले से ही, अगर पिछले वीडियो में आपको क्लियर ना हुआ हो, ये पूरे उसमें 10 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो रेडियस है ना बॉल की वो 10 है। तो अगर आप इस बॉल को, सपोज दैट ये बॉल हम लेते हैं रेड कलर की, ये बॉल आपकी यहाँ पे होती, ठीक, ओके, इसको मूव कराएंगे, तो अगर ये बॉल, ऐसे बॉल जो हमारी है ये मूव कर रही, ठीक है, अब जैसे ये साइड में जाएगी, आपका जो, अगर आपका पॉइंट कंप्लीट 800 होता है, 800 ना, तो आपकी बॉल कुछ ऐसे आएगी, हम नहीं चाहते ऐसे रिप्रेजेंट हो, आधी बॉल रिप्रेजेंट हो, हम चाहते पूरी हो, तो हमने क्या किया, 10 जो इसका साइज था रेडियस का, वो हमने माइनस कर लिया ताकि बॉल यहां तक आए, ऐसे टकराए, ठीक है, ऐसे नीचे साइड में भी ऐसे हो, ठीक, जैसे टकराए, ऐसे लेफ्ट साइड में भी ऐसे हो, अप साइड में भी ऐसे ही, करेक्ट, हम ऐसे ही चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, माइनस 10 लगाया हुआ है, रियलिस्टिक नहीं बनाई है, जो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, हम लाइक पिछले बार में 20 छोड़ रहे थे, तो हम कह रहे थे कि आप स्टिक बनाएंगे, और स्टिक बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे टकराएगा, यहीं से वापस हो जाएगा, विच इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, कि अगर आपका यहाँ से वापस हो जाएगा तो आपका पॉइंट कैसे होगा, ठीक है, जैसे वो यहाँ रह जाएगा, और बार यहाँ जब बॉल आएगी पूरी यहाँ टकराएगी, और फिर आपके वापस जानी चाहिए बॉल, ठीक है, करेक्ट है, आई थिंक ये आपको समझ में आया हो, ठीक, सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि हमने क्यों के रखा है। अब जैसे क्या होगा, अब देखिए होगा क्या, ये आपकी बॉल है, ठीक है, ठीक, ये आपकी बॉल है, ये आपकी गई ऐसे, ये किस साइड है, राइट थ्रू था, जैसे टकराई आपका राइट क्या होना चाहिए, फॉल्स हो जाए, क्यों, क्योंकि आपको राइट मूव नहीं करना, लेफ्ट मूव करना है, तो लेफ्ट जैसे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, फिर जैसे इस साइड में जाएगी, फिर देखा उसने राइट, अब लेफ्ट नहीं मूव करना, राइट थ्रू हो गया, तो इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी, अप जाएगी तो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, डाउन में टकराएगी तो अप डायरेक्शन हो जाएगी, और हम जानते हैं कि डायरेक्शन अगर अप है तो हमारा जो है, जैसे डायरेक्शन अगर डाउन की वैल्यू ट्रू है तो वो ऐड करेगा, अगर फॉल्स है तो माइनस होगा, राइट की वैल्यू अगर ट्रू है, अगर आप इसको सामने अपने ओपन करके देख सकते हो साथ साथ में साइड स्क्रीन में, कि अगर राइट की वैल्यू ट्रू है तो हमारा एक्स ऐड होगा, स्पीड में ऐड होगा, अगर एक्स राइट हमारा फॉल्स है तो एक्स माइनस होगा, तो जैसे यहाँ पे है, अब टकराया, हमारा क्या होगा, राइट थ्रू हो गया, तो राइट थ्रू होगा मतलब हमें राइट मूव करना है, इस बॉल को मूव करने लगे, ठीक, ऐसे जैसे यहाँ पे आई, अब आप सोचोगे बाउंस करके इसी डायरेक्शन में ऐसे क्यों जा रही है, तो देखो अब क्या है, हमारा अभी क्या हो रहा है, वाई जो है हमारा ऐड हो रहा है, राइट, अभी भी वाई ऐड हो रहा है, एक्स भी ऐड हो रहा है, एक्स भी ऐड हो रहा है, वाई भी ऐड हो रहा है, टकराया, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, वाई नेगेटिव हुआ, लेकिन एक्स अभी भी क्या है, ऐड हो रहा है, तो इस डायरेक्शन तो बना थ्रू रहेगा ना, एक्स टकरा के वापस उसी डायरेक्शन चली गई, तो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है। आई थिंक होपफुली आपको लाइक इतना बड़ा वीडियो बना के समझाया, बहुत ही इजी में समझाने के लिए, होपफुली ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब, ठीक है, इसी तरह के लॉजिक बना के हम ढेर सारे गेम बनाते हैं, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, हम और कुछ पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, बाउंड्रीज में जो है स्टिक्स बनाते हैं, उनको मूव कराते हैं और आगे देखते हैं।